हमारे हरियाणा में जो पुरुष प्रधान समाज है और जो इसका बीज है वो जमीन में बोया हुआ है और वो उगता ही रहता है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि आपको एक बेटी भी होनी चाहिए थी ताकि एक बैलेंस समाज में बना रहे। मेरा नाम है और मैं आशा वर्कर के तौर पर कार्य कर रही हूँ गांव में। जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनको फिर आके गांव में मैंने तोड़ा कि अगर मैं ही नहीं सही होंगी तो फिर मैं पूरे गांव को सही कैसे कर पाऊंगी। सबसे पहले मैंने अपना घूंघट छोड़ा, उस टाइम 15-18 साल पहले की बात है। घूंघट छोड़ने में काफ़ी समस्या आई, उस समस्या के बाद ही मैंने वो दरकिनार करते हुए घूंघट अपना छोड़ा। उसके बाद और महिलाओं को भी इसमें लेके आई कि समाज में काम करना तो वो पीछे से नहीं हो सकता, समाज में आगे आने से ही हो सकता। उसके बाद पंचायत मेंबर बनी और ऐसी जगह ऐसे बनी कि मेरे सामने पुरुष खड़े हुआ था, महिला नहीं थी। फिर पंचायत में जो महिलाओं का रुख है उस पर मैंने पूरा काम किया। सेक्रेटरी या गांव के लोग जब भी आते तो एक रंडी का प्रयोग करते थे कि ये रंडी आ गई पंचायत में, तो उनका सामना करना बहुत बड़ी सिरदर्दी एक तरीके से मेरे लिए रही, पर उनका बहुत अच्छे से मुकाबला करते हुए मैं हर मीटिंग में गई, हर सम्मेलन आयोजित किया, गांव में ग्राम सभा आयोजित करके महिलाओं के अधिकारों के लिए बातचीत की। जब पंचायत में कोई भी महिला जाती है तो अगर विधायक बन के गई है तो उसका पूरा सम्मान होता है। ब्रेक थ्रू की ट्रेनिंग के बाद ही हम गांव में आए, हमने अपनी BHND की मीटिंग, सभी आशाएं उसमें शामिल होती है, आंगनवाड़ी शामिल होती है, हमारी NM शामिल होती है। उस मीटिंग में फिर हमने कन्या भ्रूण हत्या के बारे में बात की, महिला अधिकारों के बारे में बात की। उसी दौरान हमें ऐसे 2-3 केस मिले जो अल्ट्रासाउंड करवा के आए हुए थे, उन्होंने पता था कि हमारे पेट में लड़की है, तो फिर उस पे हम जुटे कि इनको बचाना है। एक मीटिंग्स परिवार के साथ में, मोहल्ले के साथ में, जैसे ही मतलब भाई देखते रहना ठीक ठाक है, रोज उनके रिलेशन में रहना, रोज उनके पास जाना कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको, ताकि वो हमारी नज़रों में ये रहे कि वो करवा के ना ही हो अबॉर्ट, तो हम उनको बचा पाए। दिल में बहुत ज़्यादा उसकी खुशी है कि चाहे मेरे प्रयास से एक बची, मैं उसको दुनिया में लेके आई हूँ। बदलाव है, कम है पर है, महिलाएं इस चीज़ को समझने लगी हैं, थोड़ा वो सख्त भी होने लगी हैं इस पर, नहीं तो महिला की क्या मजाल थी कि वो उसको रोक पाती। जो मानसिकता है उसको हम जितना भी बदल पाए उतना ही कम है। आने वाले समय में अगर नौजवान हम ही नहीं इसको बदल पाए तो फिर ये तो ऐसे ही चलता रहेगा।